संघर्ष ही जीवन है। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी देह में उजाला होगा। संघर्ष, क्यों बचे संघर्ष से? संघर्ष ही तो जीवन की आत्मा है। जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत होगी। एक बार एक किसान भगवान से बहुत ही नाराज हो गया। किसान बहुत मेहनती था, बहुत मेहनत से वह खेतों में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती। कभी सूखा पड़ अट जाता, कभी भादधा आ जाती, कभी तेज धूप, कभी आंधी, कोई ना कोई कारण बन ही जाता कि उसकी फसल खराब हो जाती। एक दिन वह किसान गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से कहा, हे ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञता मानते हैं कि आप सब जानते हैं, कहते हैं कि आपके इच्छा के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता, पर मुझे तो लगता है कि आप छोटी सी छोटी बात भी नहीं जानते। आपको तो यह भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते होते तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ ढाता है हम किसानों को। यदि आप मेरे हाथ में यह शक्ति दे दें कि जैसा मैं चाहूं वैसा मैं मौसम कर दूं, फिर आप देखना मैं अन्न के भंडार लगा दूंगा। भगवान इस किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे और वह किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज से तुझे यह शक्ति देता हूं कि तुम अपनी खेतों पर तुम्हारी जैसी इच्छा ही तुम वैसा मौसम कर दोगे। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा, तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। किसान बहुत खुश हो गया। किसान ने गेहूं की फसल अपनी खेतों में बोई। जब उसे लगा कि खेतों को धूप चाहिए तो खेतों को धूप मिले, जब पानी बरसना चाहिए तभी पानी बरसा, आदि तूफान बारह कुछ भी उसने अपने खेतों पर आने नहीं दिया। किसान के खेत में इस वर्ष ऐसी फसल हुई जैसी कभी नहीं हुई थी, हरी भरी लहलहाती फसल। मन ही मन वह बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपनी नियम जरूर बदलने पड़ देंगे। कुछ दिन गुजरे, फसल कटने को तैयार हो गए। किसान बहुत उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नजर गेहूं की बालियों पर गया तो उसने अपना सिर पिट लिया और वह रोने चिल्लाने लगा। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था, सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान को रोते हुए फिर पुकारा, हे प्रभु, तुमने ये मेरे साथ क्या किया? क्या तुमने मुझे कोई सजा दी? भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही कहा दिया। ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, ना तेज बारिश से सहने दिया, और ना ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया, इसीलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ी डिढ़ती है, तभी ये पौधा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं, और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, और यही ऊर्जा पूर्ति तेरे गेहूं के दानों की तरह जो नहीं फूटी, तूने उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया जहां उनके अस्तित्व का जन्म होता। सारे बालियां इसीलिए खाली है, इसमें एक भी गेहूं का दाना इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। याद रखिए, स्वर्ण में सवर्णीय आभा तभी आती है जब वह आग में तपने, गलने और हथौड़े से पीटने जैसे संघर्षों से गुजरता है। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वह उच्च दाब और उच्च ताप की मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह यदि हमारी जिंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो, कोई चुनौती ही ना हो, तो हम भी गेहूं की बालियों की तरह खोखले रह जाएंगे। कोई अस्तित्व नहीं होगा हमारा। विपरीत परिस्थितियां, चुनौतियां, समस्याएं हमें और अधिक निखारती हैं। यदि जीवन में कठिन परिस्थितियां और चुनौतियां आए तो घबराना मत, बल्कि सामना करना, विश्वास करना कि आप और अधिक निखर जाओगे और अधिक मजबूत बन जाओगे। किसी ने कितना सही कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड्डी ढे हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता।